झूठी सूचना पर अरेर थाना पुलिस द्वारा छापेमारी करने के मामले में पंचायत समिति ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। अरेर थाना क्षेत्र के एकतारा गांव में अरेर थाना पुलिस के द्वारा शुक्रवार की देर शाम टोल फ्री नंबर पर दी गई झूठी सूचना के आधार पर की गई छापेमारी की कार्रवाई पर पेरौल पंचायत समिति सदस्य अशोक राम ने प्रशासन को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करें, जिससे समाज में फैली बुराइयां समाप्त हो सके। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा टोल फ्री नंबर पर झूठी सूचना देकर प्रशासन का वास्तविक समय बर्बाद किया गया, शराब माफियाओं से ध्यान भटकाने का काम किया है और निहायत और निर्दोष लोगों को परेशान करने की असफल कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने जब तक युक्त घर में छापेमारी किया, शराब की नाम की कोई चीज बरामद नहीं हुई। प्रशासन ने अपना काम किया, लेकिन असली शराब माफियाओं पर भी उतनी ही सक्रियता से कार्रवाई की जाए, ताकि स्वच्छ समाज की स्थापना हो सके। आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। बताइए समिति महोदय, क्या मामला है पूरा? मैं अशोक कुमार राम, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत परौल। कल रात की घटना है, तकरीबन 7:30-8 के बीच की। किसी सामाजिक अपराधिक तत्वों के द्वारा, या उसको कहे कि वो जो कर्तव्यनिष्ठ समाज से भी, उनके द्वारा दिया गया कि मेरे राजनीतिक गुरु श्री अरुण राम जी, जो पेशे से शिक्षक हैं और मेरे बड़े भाई हैं, उनके ऊपर उनके लिए शिकायत किया गया कि अरुण जी दारू बेचते हैं। प्रशासन लगभग मेरे यहाँ 7:45 के बीच में आए, तो अपना उनका जो काम था अपने स्तर से वो देखे, देखने के बाद बैठे, उनको जो रिपोर्ट करना था जो मिला, जो मतलब यहाँ जाँचों उपरांत उनको जो पता चला वो अपना रिपोर्ट किए, वो लोग यहाँ से चले गए। जाने के बाद हम एक ही संदेश देना चाहते हैं प्रशासन से और समाज के जो लोग हैं, जो जागरूक हुए हैं इस मुद्दा बनाने के लिए, या कुछ मान लीजिए गांव में समाज में जो हो रहा है, शराब माफिया हो या कई तरह का घटना होते रहता है, उसके लिए अगर कोई सूचना देता है उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि ये तो पता चला है कि कोई एकतारा गांव में या परौल पंचायत में कोई जागरूक व्यक्ति हुआ जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, गलत के खिलाफ सूचना देता है, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह लगे रहिए और आगे भी इस तरह का कोई अगर करता है तो उसको आप सूचना देते रहे। दूसरी बात रह गई प्रशासन की, प्रशासन महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो किया अच्छा किए, कि आपके पास जो सूचना मिली तुरंत त्वरित कार्रवाई, क्विक एक्शन लिए आप। हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में, बहुत सारा माफिया है, दारू बेचता है, जो भी हो, उनके खिलाफ भी आप, अगर आपके पास किसी के माध्यम से सामाजिक हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या एनीबडी कोई हो, उनके द्वारा अगर आपको शिकायत मिलता है तो इसी तरह क्विक एक्शन लेकर उसको उनके सजा दिलाने का कोशिश करें। हम यही थाना प्रभारी महोदय, डीएसपी महोदय और एसपी महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपने जो विधि व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपने, मुझे खुशी हुई कि 7 बजे के बाद आपको सूचना मिला, यहाँ से शिकायत हुआ उनके कथनानुसार और 8 बजे यहाँ रेड पड़ा। जो आप समाज में हो रहे इस तरह का जो समस्या है, मामला है, हम आशा करते हैं कि आप जिस तरह सूचना दिए उसी तरह गाँव समाज में जो हो रहा है उसके लिए भी आप अगर आने वाले समय में भी सूचना देते रहे और मतलब छापा मरवाते रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक परौल पंचायत वासी के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आपके हम कदम में कदम मिला के चलेंगे। इस तरह का काम आप करते रहिए। दूसरी बात, आपको तो हम धन्यवाद देते ही हैं और आपको हमको स्वागत करना है, ठीक है, समय और जगह, ठीक है, समय और सामने आप जब मिलिएगा, आपको हमारे यहाँ गेंदा का फूल बहुत ही प्रसिद्ध है, तो गेंदा के फूल के माला से आपको हम स्वागत करेंगे और हम आपको खोजते हैं, हमको जानकारी मिल गई है, अच्छा लगा है, आप जब मेरे सामने आएंगे तो हम गेंदा के फूल के हार से माला पहनाकर आपको स्वागत करेंगे। यही कहने के साथ हम, आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।